ਕੋਈ ਕਬਰ ਲੱਗ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਨਿਸ਼ਾ ਵਾਨੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तो दुखदाई खबर आई सामने मशहूर पंजाबी अदाकारा ते गायिका निशा बानू दे पिता दा होया देहांत निशा बानू पंजाबी इंडस्ट्री दा जानिया मानिया नाम है पिता दे दुनिया तो रुखसत होन तो बाद उना नू गहरा सदमा लगा है उना दिया बेहद भावुक कर देन वालियां तस्वीरां सामने आ रही ने निशा बानू दे पिता काफी लंबे समय तो बीमार चल रहे सन मुफर जज अदाकार निशा बानू के पिता की जी डैथ हुई है वो की कारण की कहो वो एक पहले बीमारी लंबे समय तक बीमार से चल रहा है वो करके वह बीमार हो गए सानू इस गल का अफसोस है पर कुदरत दे अगे या अल्लाह ताला दे अगे किसी का जोर नहीं है बहुत नेक इंसान सन बहुत अच्छे सुभाव के मालिक से बड़े नरम से दयालु पुरुष से कौन कौन परिवार परिवार से इन्हों की वाइफ सी यह सी निशा बानू तो बाकी इन्हों का बेटा बेचारा वो पहला इंतकाल उन्होंने हो गया सीगा ये भी एक बड़ी त्रासदी वाली गल सी कोई बेटा सी इन्हों का तो इन्हों की मेरे ख्याल नूँह भी है चौदह बच्चा भी एक है वो इतने रेंदे सी इन्हों के नाल ही रेंदे ने तो बहुत वधिया फैमिली असीं कह सकते हैं सारे नाल प्यार मुहब्बत बड़ा वधिया भाईचारे दे विच बड़ा वधिया सन्मान सीगा इन्हों का हाँ जी नाम है जी मैं डॉक्टर शाहनाज अली अली जी अज जी निशा बानू अदाकार उन्होंने पिता की डैथ हुई है की कारण है काफ़ी तकरीबन लंबे समय तो उन्होंने थोड़ी जी प्रॉब्लम सी बीमार चल दे रहे थे पर फिर भी ठीक से मैं हफ्ता पहला ही उन्होंने मिल के आ गया वा तो काफ़ी ज़्यादा नेचर बहुत वधिया इन्ने सुभा नेक सुभा दे अज उन्होंने बड़े मेहनत न अपनी बेटी को भी इस मुकाम पर पहुँचाया बड़ी खुशी की गल है पर इस गम की गल यानी कि बहुत सब कुछ देखने पहले ही चले गए तो एक वधिया परिवार से बहुत अच्छे यानी कि इंसान सन निशा बानू जो कि पंजाबी इंडस्ट्री विच बहुत बड़ा नाम है जो कई पंजाबी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं ते बहुत सारे गीत भी गा चुके हैं ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ